नमस्कार, रुद्रा न्यूज का स्पेशल न्यूज बुलेटिन बॉलीवुड टॉप 10 देख रहे हैं आप और वक्त हो चला है बॉलीवुड की दुनिया की 10 बड़ी खबरों का। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट और एक्टर रणबीर कपूर के रिलेशनशिप की चर्चा तब से है जब से फैंस ने दोनों की फिल्म ब्रह्मास्त्र के सेट पर मस्ती करते स्पॉट किया था। हाल ही में आलिया भट्ट ने फैंस के साथ सवाल जवाब राउंड खेला। इंस्टाग्राम पर एक फैन ने उनके फेवरेट व्यक्ति की फोटो अपलोड करने के लिए कहा। आलिया ने बहन शाइन भट्ट की फोटो शेयर की। फैंस कयास लगा रहे थे कि आलिया बॉयफ्रेंड रणबीर कपूर करेंगी, लेकिन उन्होंने बहन की फोटो साझा की। बॉलीवुड हॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा की फिल्म द व्हाइट टाइगर जनवरी में रिलीज होने वाली है। इसमें वे राजकुमार राव और आदर्श गौरव संग नजर आएंगी। फिल्म की रिलीज से पहले प्रियंका चोपड़ा ने मीडिया के साथ बातचीत भी शुरू कर दी है। पति निक जोनस के लिए प्रियंका ने स्पेशल स्क्रीनिंग रखी थी, जिसके बाद निक ने प्रियंका की एक्टिंग की तारीफ करते हुए एक वीडियो शेयर किया है। टीवी रियलिटी शो बिग बॉस 14 के हाल ही में प्रसारित हुए एक एपिसोड में सोनाली फोगाट ने अली गोनी के प्रति फीलिंग्स को लेकर कई बातें कही थी। इसे देखकर ऑडियंस ही नहीं बल्कि घरवाले भी शॉक्ड हो गए थे। हालांकि अर्शी खान सोनाली फोगाट को इस मामले में बढ़ावा देती नजर आई। कुछ दर्शकों के लिए ये एक मनोरंजन रहा तो कई सोनाली फोगाट को इसके लिए ट्रोल कर रहे हैं। सिंगर राहुल वैद्य और दिशा परमार की लव स्टोरी की खूब चर्चा है। राहुल वैद्य बिग बॉस 14 के कंटेस्टेंट हैं और दिशा संग प्यार का इजहार नेशनल टीवी पर करने के बाद जल्द ही शादी करने जा रहे हैं। घर के अंदर कई बार राहुल वैद्य को दिशा परमार के बारे में बात करते देखा गया है। बाहरी दुनिया में दिशा परमार बॉयफ्रेंड के लिए चीयर कर रही हैं। टीवी रियलिटी शो बिग बॉस 14 से बाहर होने के बाद हाल ही में जैस्मीन भसीन ने फैंस संग सोशल मीडिया के जरिए सवाल जवाब सेशन रखा। इसमें उन्होंने अली गोनी संग प्यार, शादी, करियर और बिग बॉस में वापसी को लेकर बातें की। साथ ही सोनाली फोगाट की अली गोनी के प्रति लव फीलिंग्स को बताना, इस पर भी जैस्मीन ने रिएक्शन दिया। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर मजाक करने पर कॉमेडियन डेनियल फर्नांडिस ने माफी मांगी है। सुशांत सिंह राजपूत के फैंस के विरोध के बाद डेनियल ने माफी मांगी है। 11 जनवरी को ऑनलाइन शेयर किए गए वीडियो में कॉमेडियन ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत, मीडिया कवरेज और रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी जैसे मसलों पर तंज कसा था। इस वीडियो के सामने आने के बाद सुशांत सिंह राजपूत के फैंस ने इसकी आलोचना की थी। यही नहीं, वीडियो को सोशल मीडिया पर रिपोर्ट भी किया गया था। सोनू सूद ने बीएमसी की ओर से उन्हें दिए गए नोटिस और फिर हाईकोर्ट में आदतन अपराधी करार देने को लेकर अब तक स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं कहा है, लेकिन इस बीच उन्होंने एक ट्वीट शेयर किया है जिसे लेकर कहा जा रहा है कि शायद उन्होंने बीएमसी पर अप्रत्यक्ष तौर पर निशाना साधा है। सोनू सूद ने ट्वीट कर लिखा है, मसला ये भी है दुनिया का कि कोई अच्छा है तो अच्छा क्यों है। सोनू सूद के इस ट्वीट में न तो किसी को टैग किया गया है और न ही किसी का नाम लेकर कुछ कहा गया है, लेकिन लोग इसे बीएमसी की ओर से की जा रही कार्रवाई के खिलाफ प्रतिक्रिया के तौर पर देख रहे हैं। अनुष्का शर्मा और विराट कोहली अपनी नवजात बेटी को लेकर काफी निजात बरत रहे हैं। सोमवार को ही मां बनने वाले अनुष्का शर्मा फिलहाल अस्पताल में ही एडमिट हैं और सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। यहां तक कि अनुष्का शर्मा के रिश्तेदारों को भी मिलने की अनुमति नहीं है। अपनी निजी जिंदगी से हमेशा ही मीडिया को दूर रखने वाले कपल ने अब प्राइवेसी के चलते अस्पताल की सुरक्षा को भी बढ़ा दिया है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई के जिस अस्पताल में अनुष्का शर्मा ने बेबी को जन्म दिया है, वहां सुरक्षा में इजाफा कर दिया गया है। दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन ने बेटे अभिषेक बच्चन के साथ अपनी एक पुरानी तस्वीर शेयर की है। इस तस्वीर में अभिषेक बच्चन पिता अमिताभ बच्चन की गोद में बैठे नजर आ रहे हैं। ये फोटो 1990 की है, जब अभिषेक बच्चन महज 14 साल के थे। इस तस्वीर में अमिताभ बच्चन काफी हैंडसम नजर आ रहे हैं, जबकि अभिषेक बच्चन कुछ कंफ्यूज से दिख रहे हैं। ये तस्वीर उज्बेकिस्तान के ताशकंद में क्लिक की गई थी। अमिताभ ने फोटो के साथ कैप्शन में लिखा है, ताशकंद सोवियत यूनियन 1990, जब अभिषेक बच्चन ने पहली बार ऑटोग्राफ दिया था। किसान आंदोलन को लेकर बीजेपी सांसद और एक्ट्रेस हेमा मालिनी के एक बयान पर कवि कुमार विश्वास ने शायराना अंदाज में तंज कसा है। कुमार विश्वास ने ट्विटर पर हेमा मालिनी की ओर से दिए बयान को रीट्वीट करते हुए तंज कसा है। उनकी अपील है कि उन्हें हम मदद करें, चाकू की पसलियों से गुजारिश तो देखिए। दरअसल हेमा मालिनी ने किसान आंदोलन को लेकर कहा था कि इस प्रदर्शन में शामिल तमाम लोगों को पता भी नहीं है कि उन्हें कृषि कानूनों के किन प्रावधानों से आपत्ति है। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये न्यूज़ बुलेटिन खासा पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये न्यूज़ बुलेटिन पसंद आया है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।
अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।